इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत, अदालत ने 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है हनीप्रीत को। हरियाणा पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड हनीप्रीत के लिए मांगी गई थी। हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है अदालत ने। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत, पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। पिछले 38 दिन से फरार थी हनीप्रीत, कल उसे पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया, आज अदालत के सामने पेश किया गया और हरियाणा पुलिस जिसने 14 दिन की रिमांड हनीप्रीत के लिए मांगी थी, हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। ये उस वक्त की तस्वीर जब हनीप्रीत को कोर्ट परिसर में लेकर जाया जा रहा था। सफेद रंग का दुपट्टा, गुलाबी रंग के उस पर फूल बने हुए हैं, देख रहे हैं आप चेहरा ढककर हनीप्रीत अदालत के भीतर दाखिल होते हुए। ये जो है महिला वो हनीप्रीत है। 38 दिन तक हनीप्रीत फरार थी, हरियाणा पुलिस के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ था हनीप्रीत को तलाश करना। लुकआउट नोटिस तक हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत के लिए जारी कर दिया था, वारंट हनीप्रीत के खिलाफ जारी हो चुका था और ऐसे में कल हनीप्रीत की गिरफ्तारी होती है। अदालत के सामने हनीप्रीत को आज पेश किया जाता है और पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। देशद्रोह की धारा लगाने का विरोध किया गया हनीप्रीत के वकील की तरफ से। इस बीच अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।